जयपुर में होगा गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, कल पहुंचेगी मुख्यमंत्री राजे। इधर जयपुर में लगी नो यो आर्मी प्रदर्शनी, लोगों को दी जा रही है सेना के बारे में जानकारी। राज्य बालिका दिवस पर जयपुर में हुआ, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जयपुर में हुआ राज्य स्तरीय समारोह, होनहार बेटियों और संस्थाओं को दिया गया सम्मान। प्रदेश भर में भी हुए विशेष कार्यक्रम, बेटी बचाने का लिया गया संकल्प। गुलाबी ठंड के साथ पिंक सिटी में कल से शुरू होगा जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, देश विदेश के कई लेखक और साहित्यकार होंगे रूबरू। पुलिस प्रशासन ने पुख्ता की सुरक्षा व्यवस्था। और मावट ने प्रदेश भर में बढ़ाई ठिठुरन, कई जिलों में धड़ाम से गिरा पारा, तो कोहरे ने बढ़ाई आमजन की मुश्किलें। हाईवे पर आपस में भिड़ी कई गाड़ी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। सबसे पहले बात सत्ता के संग्राम की। प्रदेश के उपचुनाव के लिए सीएम राजे के तूफानी दौरे जारी हैं और इसी के तहत सीएम वसुंधरा राजे अजमेर की यात्रा पर हैं। अजमेर के विजय लक्ष्मी पार्क में आयोजित सम्मेलन में सीएम राजे ने हिस्सा लिया। यहां सीएम राजे ने बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने हमेशा युवाओं को मौका दिया है। इस मौके पर सीएम राजे ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम राजे ने कहा कि एक चाय वाला आम आदमी कांग्रेस को ललकार कर देश का प्रधानमंत्री बन गया। साथ ही सीएम ने कांग्रेस उम्मीदवार रघु शर्मा पर भी हमला बोला। सीएम ने बिना नाम लिए शर्मा को इशारों में दागी बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर विभाजन की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उपचुनाव को मां का नाम दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी समेत तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद रहे। आप ये चुनाव आ रहा है, आप सबको मालूम है, और मांडवगढ़ से अजमेर, अजमेर से लेके अलवर, मैं तो इसको शॉर्ट में MAA, क्या होता है इसका स्पेलिंग, मैंने माई को वैसे समर्पित किया हुआ है। मैंने पहले ही माई को समर्पित करके ये कहा कि देखो तुमने अपना नाम भी उस पर डाल दिया, MAA करके मां कर दिया, और अब उसके बाद मेरे को ये बता दिया कि तीनों है एरियाज डिफिकल्ट एरियाज हैं, परंतु माई की कृपा है, इसलिए आराम से और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये सीटें तीनों के तीनों अपन जीत के छोड़ेंगे। इसबेले सीएम राजे अजमेर के पुष्कर में सर्वसमाज के लोगों के साथ संवाद करती दिखाई दी। इस दौरान राजे ने कहा कि बीजेपी 36 कौमों के विकास के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। क्योंकि मुझे मालूम है कि इस क्षेत्र के लोगों ने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और मैं उनको धन्यवाद, एक तो धन्यवाद देना चाहती, दूसरा ये कहना चाहती थोड़ा और इतना कर लिया है, थोड़ा सा और कर दोगे तो कोई चिंता करने की अपने को जरूरत नहीं होगी। और पुष्कर से ही तो आप रास्ता दिखाना चाह रहे हो, आखिर में यहीं से तो देवता आशीर्वाद हम लोगों को दे रहे हैं। तो इस क्षेत्र से अगर आप लोगों ने रिकॉर्ड मार्जिन किया तो अजमेर के अंदर भी फैलेगा। मैंने तो उसको मां के रूप में लिखा है, मां मां, एक मांडलगढ़, एक अजमेर और एक अलवर। सीएम ने पुष्कर के जगत पैलेस में बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप लांबा के समर्थन में आमसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और रामस्वरूप लांबा के पिता सावरलाल जाट को याद किया और कहा कि उन्होंने जनता की भरपूर सेवा की, इसी के कारण आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। वहीं उनका बेटा रामस्वरूप भी केवल विकास के लिए ही काम करेगा। राज्य ने कहा कि हमें पुष्कर राज को सुंदर बनाना है, इसके लिए जनता के सहयोग और प्यार की जरूरत है। राज्य ने सभा में बैठे लोगों के लिए कहा कि इनमें ईश्वर दिखता है। राजे ने कहा कि बीजेपी सरकार जनता के विकास पर ध्यान दे रही है, जबकि कांग्रेसी नेता केवल जनता को बरगला रहे हैं। पुष्कर में आई, सबसे पहले मेरे को चार आदमी मिले ब्रह्मा जी के मंदिर के नीचे। अरे साहब, आधा रास्ता तो बना ही नहीं है अभी तक। मैंने कहा वो जो आधा रास्ता बन गया उसके बारे में धन्यवाद तो बोल दो, बना ना। हाँ वो तो बन गया। अरे साहब पर वो तो ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। मैंने कहा भैया तुम्हारे एक साल के अंदर पुष्कर को तुम रिकग्नाइज ही नहीं करोगे। पुष्कर में उपचुनाव की जनसभा करने से पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इसके बाद राजे सरोवर के ग्वालियर घाट पहुंची और पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साधु संतों से आशीर्वाद भी लिया।
वहीं लोगों में मुख्यमंत्री राज्य के प्रति क्रेज देखने को मिला। यहां लोग सीएम राज्य के साथ सेल्फी लेते नजर आए। वहीं सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी, संसदीय सचिव सुरेश रावत सहित कई बीजेपी के नेता यहां मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस भी उपचुनाव को फतह करने के लिए पूरा जोर लगा रही है और इसी कड़ी में आज अजमेर लोकसभा उपचुनाव को लेकर दूदू में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इसे संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा के समर्थन में वोट करने की अपील की। कांग्रेसी नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और विकास की बजाय 4 साल तक केवल मीटिंग्स करने के आरोप लगाए। आपका आशीर्वाद है मैं मुख्यमंत्री बना उस तक 98 का। वन 156 सीटें वन जीते थे, 100 से अधिक सीटें थी आजादी के बाद में। अभी वसुंधरा जी मुझसे भी ज्यादा 100 सीटें ज्यादा जीती। मैं पूछता जाता हूं उनको कि जनता का क्या कसूर है, जनता पूछ रही हमारा क्या कसूर है, हमने आपको इतना भारी बहुमत दिया और आपका रवैया ही क्यों रहा, समझ पड़े। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूरे राजस्थान में तीनों सीटों में कांग्रेस पार्टी की हवा चल रही है, हम लाखों वोटों से जीतेंगे। लेकिन मैं दूदू की जनता को बताना चाहता हूं, आप लोगों ने पहले बहुत आशीर्वाद दिया, कांग्रेस ने राज बनाया, हमें सेवा का मौका दिया और जितना हमसे हो सका हमने भी आपका काम किया। आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार, कांग्रेस सरकार ने यहां काम किया और उस काम के तहत न ही सिर्फ यहां का विकास लेकिन अपनी जनता के लिए जन्म से लेकर मरण तक की हर एक योजना का प्रयोजन किया, शिक्षण सेवा का, यहां के बड़े बड़े स्कूलों का, हमारे सभी योजनाओं का ख्याल करती थी। वहीं पर आज ये सरकार अगर आप देखें तो क्या हाल राजस्थान के हुए हैं। वहीं से पहले किशनगढ़ में पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने रोड शो किया। पायलट ने कृष्णापुरी में बड़े गणेश मंदिर से मुख्य चौराहे तक रोड शो किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा सहित दिग्गज कांग्रेसी नेता उनके साथ मौजूद रहे। रोड शो बाद में नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान पायलट ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनसंवाद में समाज को बांटने की कोशिश की जा रही। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पुत्र वधू निहारिका राजे भी उपचुनाव में प्रचार में जुटी हुई हैं। आज मसूदा के देवमाली में भगवान देव नारायण के दर्शन किए और इस दौरान गुर्जर समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। निहारिका राजे ने समाज के लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। इसके बाद उन्होंने जामूला, सत्तालिया, अर्जुनपुरा और पंडागा के साथ ही कई गांव का दौरा किया। निहारिका राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हमेशा आमजन के लिए लाभकारी योजनाएं चलाई जिनकी बदौलत उपचुनाव में बीजेपी 3 सीटों पर भारी मतों से जीत हासिल करेगी। वहीं अजमेर लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी रामस्वरूप लांबा ने मसूदा विधानसभा के बांदनवाड़ा, भिनाय सहित दर्जनों ग्राम पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ में मंत्री राजेंद्र राठौड़, पूर्व जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। वहीं मंत्री राजेंद्र राठौड़ सभा को संबोधित करते हुए सावरलाल जाट के अधूरे कामों को उनके पुत्र रामस्वरूप लांबा द्वारा पूरा किए जाने के लिए जिम्मेदारी दिखाई दी। वहीं अलवर लोकसभा उपचुनाव के मतदान तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशियों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी जसवंत सिंह यादव ने मंत्री हेम सिंह भड़ाना, तिजारा विधायक मामन सिंह यादव सहित अन्य बीजेपी नेताओं के साथ में टपुकड़ा कस्बे में दौरा किया और मुख्य बाजार में लोगों से संपर्क किया। इस दौरान जसवंत सिंह यादव ने सरकार द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के बलबूते अपनी जीत का दावा किया। जी के नाम पर, वसुंधरा जी के काम पर, हमारे विधायक जी और कार्यकर्ताओं के मजबूत परिश्रम के कारण जो अपार जनसमर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की लंबे चौड़े बहुत से चीजें वसुंधरा जी तो नेतृत्व उनके में चुनाव ही लड़ रहे हैं, उनकी मैगेज का उनके काम का ही चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाया, 2000 आदमी बैरड में इकट्ठा हुआ, 1000 आदमी यहाँ इकट्ठा हुआ, ये कोई बुलाना हुआ, ये कोई सफाई हुई, वो केवल अफवाहों से हजार गर्म कर रहे हैं अफवाहों से। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी आज अलवर के दौरे पर हैं।
परनामी ने आज अलवर में अल्पसंख्यक समाज के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान परनामी ने अल्पसंख्यक समाज से बीजेपी के साथ जुड़ने की अपील की। इस मौके पर सिंधी पंजाबी समाज के लोगों ने कहा कि वो बीजेपी के साथ हैं। जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, प्रदेश सरकार की हो, उन योजनाओं का सीधा लाभ उस गरीब व्यक्ति तक पहुंचा है। आज किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी कि हर उस गरीब परिवार में मुफ्त गैस का सिलेंडर जाएगा, मुफ्त गैस का कनेक्शन जाएगा, जबकि कांग्रेस के राज में तो गैस का कनेक्शन लेना ही मुश्किल होता था। देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय जो है, विशेष तौर पर यहाँ पर जो अलवर जिले के अंदर सिख समुदाय है, जिसमें विभिन्न जातियों के भी सारे सिख परिवारों के भाई बहन आते हैं, उनमें से बहुत बड़ा प्रतिशत पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पर आदरणीय अशोक परनामी जी के नेतृत्व में और राजस्थान सरकार आदरणीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में हमेशा सिख समुदाय के प्रति उनका सद्भाव का दृष्टिकोण और रवैया और नीतियां रही हैं। गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने अलवर में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह नरेंद्र मोदी का चुनाव है और पूरी दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी का जादू अभी चल रहा है, ये चुनाव दशा और दिशा तय करेगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी को अवतार बताते हुए कहा कि जब कांग्रेस में हर नेता भ्रष्टाचार में डूबा था और लोग नेताओं को चोर कहने लगे थे, तो नरेंद्र मोदी ने ही नेता के नाम की इज्जत बचाई। माहौल अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कारण क्या कि जनता इतनी समझती है कि ये हमारा वोट नरेंद्र मोदी की ताकत को बढ़ाने वाला वोट है, नरेंद्र मोदी की नीतियों का समर्थन करने का वोट है। नरेंद्र मोदी ने जिस निष्ठा के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार पे और काले धन पर कंट्रोल करने का जो प्रयास किया, नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार की योजनाएं लाए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए 12 रुपए में बीमा होता है, हम 40 साल हो गए राजनीति में, कभी दिमाग में नहीं आया कि 12 रुपए में भी आदमी का बीमा हो सकता है। निश्चित रूप से ये कांग्रेस की जो हालात रहे हैं पिछले कालखंड में 10 साल में, जो गिरावट आई है राजनेताओं की, उसके कारण से जो जनता को नफरत हो गई थी नेताओं के नाम से, ऐसे समय में एक व्यक्ति दिख गया है जिसके जीवन पर कोई दाग नहीं है, जिसके जीवन में एक तरह से समर्पण और त्याग है, जो देश के लिए जीता है, किसी के व्यक्ति के लिए नहीं जीता है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल बहरोड के दौरे पर रहेंगी। यहां वो बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत यादव के चुनाव प्रचार को लेकर आम सभा को संबोधित करेंगी। सीएम राजे के दौरे को लेकर बीजेपी नेता तैयारियों में जुटे हुए। जी मीडिया से बातचीत में मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने बीजेपी की जीत का दावा किया। और पद्मावत को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है, पद्मावत राजस्थान में रिलीज नहीं होगी। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का यह ऐलान हुआ है, राजस्थान में किसी भी मल्टीप्लेक्स में यह फिल्म नहीं लगेगी। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी कि पद्मावत फिल्म राजस्थान में रिलीज नहीं होगी। एक्सक्लूसिव लेटर की कॉपी आप देख पा रहे हैं जो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है, यह कहते हुए कि राजस्थान के किसी भी मल्टीप्लेक्स में पद्मावती फिल्म नहीं लगेगी। सुशांत पारीक जीविया संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। सुशांत, ये मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि राजस्थान के किसी भी मल्टीप्लेक्स में पद्मावत नहीं लगेगी। बिल्कुल राहुल, ये लगभग एकदम कन्फर्म हो गया है कि राजस्थान में पद्मावती फिल्म रिलीज नहीं हो रही। हालांकि वो बड़े जो दर्शक हैं उन्होंने दो दिन पहले ही ऐलान किया था कि वो फिल्म नहीं खरीद रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार विरोध जारी था, हालांकि पुलिस की तरफ से आश्वस्त किया गया था सभी सिनेमा घर मालिकों को कि सुरक्षा दी जाएगी, दर्शकों को भी सुरक्षा मिलेगी, लेकिन बवाल चूंकि बढ़ने की संभावना लगातार बढ़ रही है, करती सेना अभी भी बैकफुट पे आने को तैयार नहीं है, और विरोध कितना बड़ा हो सकता है इसका अंदाजा कल गुजरात में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ था उसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है। इस लिहाज से ये जो ऑल इंडिया एसोसिएशन है मल्टीप्लेक्स की, उनकी से ये प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें बिल्कुल साफ किया गया है कि राजस्थान की पृष्ठभूमि पे जो फिल्म बनी है चित्तौड़गढ़ की पद्मावत, उसको राजस्थान में रिलीज नहीं किया जाएगा। राहुल, बिल्कुल सुशांत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।
तो फिल्म पद्मावत को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बावजूद भी प्रदेश भर में विरोध जारी है। हालांकि विभिन्न संगठनों की ओर से पूर्व में दी गई चेतावनी को लेकर प्रशासन अलर्ट है। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू और जालोर की। जयपुर सहित कई जगहों पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जाम लगाया और हंगामा किया। वहीं झुंझुनू जिले में भी खेतड़ी जयपुर मार्ग पर जाम लगा दिया गया। हालांकि पुलिस ने समझाइश करके जाम खुलवा दिया। वहीं फिल्म के विरोध में जालोर का बागोड़ा कस्बा बंद रहा। तो ये आप पांच तस्वीरें देख पाएंगे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की, जहां पर पद्मावत फिल्म के विरोध में लोग लामबंद हुए और सड़कों पर जाम लगाया गया। जयपुर में टायर भी जलाए गए। तो जोधपुर में आप देख पाएंगे तलवारें तक निकाली गई। वहीं भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, सीकर, नागौर, दौसा जिलों में भी फिल्म पद्मावत का विरोध जारी है। भीलवाड़ा के कोशीथल गांव में दो युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गए। हालांकि पुलिस ने समझाइश कर उन्हें नीचे उतार दिया। सीकर के नीम का थाना में नगर पालिका के सामने जाम लगा दिया गया। दो रोडवेज की बसों में तोड़फोड़ हुई। पलसाना कस्बे में रैली निकालकर संजलीला भंसाली और प्रसून जोशी का पुतला फूंका गया। नागौर के मकराना में श्री राजपूत करणी सेना ने रैली निकाली और सिनेमाघर के बाहर प्रदर्शन किया। दौसा में भी राजपूत छात्रावास के बाहर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने फिल्म पद्मावत को लेकर कहा है कि ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ का साथ वो नहीं देंगे और कोर्ट का सम्मान करते हुए राजस्थान का सम्मान बचाएंगे। वहीं गुलाबचंद कटारिया ने यह कहा है कि हमने कानूनी लड़ाई लड़ी है, सफल नहीं हुए, अब लोगों को भी कानून की लड़ाई लड़नी चाहिए और वो भी राजस्थान में कोई भी सिनेमा हॉल इस मूवी को नहीं दिखा रहा है तब विरोध की कोई जायज वजह बचती नहीं है। हालांकि कटारिया ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ी तो ठीक करने का काम किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में है, परंतु हमारी सरकार की आदरणीय वसुंधरा राजे जी की बड़ा स्पष्ट मैंडेट है और उन्होंने कहा भी है और उन्होंने अपील भी करी है। सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील भी करी है कि किसी भी कीमत पे न्यायालय का सम्मान करते हुए हमारे राजस्थान प्रदेश का जो इतिहास है उस इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से पद्मावती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आदेश दिया था और चार राज्यों पर जो हमने बैन लगाया था उसको अनुसमान हम रिव्यू पिटीशन में भी गए, लेकिन वो भी हमारी कल खारिज हो गई। अब हमें कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारा अपना कर्तव्य, उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन हमने आंदोलनकारियों से भी प्रार्थना की है कि लोकतांत्रिक तरीकों से अगर आप विरोध करना चाहो तो जरूर करो, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन कानून व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास न करो। चलिए इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहा है।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद में फिल्म पद्मावत का विरोध चित्तौड़गढ़ के साथ साथ बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर, करौली और धौलपुर में भी देखने को मिला। चित्तौड़गढ़ में उग्र भीड़ ने रोडवेज बस में तोड़फोड़ कर दी। वहीं बीकानेर में उन सिनेमा संचालकों का सम्मान किया गया जो फिल्म नहीं लगाने का वायदा कर चुके हैं। अजमेर में कर्णी सेना और हिंदूवादी संगठनों ने रैली निकाली, एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पहले फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली के पुतले की शव यात्रा निकाली गई और न्यायालय के बाहर पुतला फूंका गया। जैसलमेर में तो कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम रक्त से हस्ताक्षर किया हुआ ज्ञापन सौंपा गया। करौली जिले में कर्णी सेना और हिंदू सेना ने रैली निकाली, प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मोबाइल टावर पर भी चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने समझाया, उन्हें रोक दिया। वहीं धौलपुर में सिनेमाघर मालिकों से फिल्म नहीं दिखाने की अपील की गई। फिल्म पद्मावत के विरोध में आज प्रदेश भर में प्रदर्शन हुए। इस बीच श्री राजपूत कर्णी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो भी इस फिल्म का विरोध होगा, जनता कर्फ्यू लगेगा और फिल्म नहीं लगने दी जाएगी। फिल्म बैन के अलावा उनकी कोई मांग नहीं है और फिल्म के विरोध में जो हिंसा हो रही है उसकी जिम्मेदारी कर्णी सेना नहीं बल्कि संजय लीला भंसाली की है। इधर कर्णी सेना ने फिर से सीबीएफसी के प्रसून जोशी को जयपुर नहीं आने की चेतावनी दी है। कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल मकरान ने कहा कि अगर प्रसून जोशी जयपुर आते हैं तो नतीजा वही होगा जो भंसाली का हुआ। अपनी स्थिति बार बार मीडिया के सामने स्पष्ट कर रहे हैं और पिछले दो दिन से बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। आप ही के सामने मैंने पत्र बताया था भंसाली का, आप ही के सामने मैंने सबसे पहले हमारा जवाब भी दिया था। उसके डेढ़ दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, बात हो गई, पिक्चर देख रहे हैं, देख तो नहीं रहे हैं पर दिखा जरूर रहे हैं। दिखा किसको रहे हैं, पर पहले कोई दिखा रहा है तो धोखा है, षड्यंत्र है, बकवास है। ये भंसाली के इस तरह की साजिश है और साजिश में अगर इस दुनिया का, देश का अगर चौथा स्तंभ भी अगर भागीदार बन जाएगा तो मेरे को तकलीफ है। हम नहीं करेंगे उसका सपोर्ट। हमें मालूम है किसकी जली है, डोमिनोज वाला चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है डोमिनोज की गालियां जली, जल गई होगी डोमिनोज क्यों, मैकडोनल्ड की जले। और अगर जलाइए, हम तो मना कर रहे हैं पहले दिन से, हिंसात्मक तरीके से करेंगे, पर अगर जो अंदर की जो आग है वो कहीं ना कहीं भड़केगी तो रोड पे निकलेगी और उसका खामियाजा डोमिनोज जैसे जो भी पिज्जा हट वाले हैं उनकी गाड़ियों को भुगतना पड़ेगा। जी, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कल से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले जयपुर पुलिस की ब्रीफिंग रखी गई। डिपार्टमेंट ऑफ वॉलंटियर्स को डीसीपी हेडक्वार्टर्स गौरव श्रीवास्तव ब्रीफ करते दिखाई दिए। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई। एडीसीपी नितिन दीप और डीसीपी साउथ भी डिग्गी पैलेस में मौजूद रहे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और गणतंत्र दिवस के आयोजन में सुरक्षा और फिल्म पद्मावत के रिलीज के विरोध में होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस मुस्तैद है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने सभी रेंज आईजी, जिला एसपी, एटीएस और एसओजी को एक्टिव मोड पर रहने को कहा है। गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह इस बार भरतपुर में, ऐसे में वहां स्पेशल एजेंसी अलर्ट है। स्थानीय जाब्ते के साथ में 4 आरएसी कंपनी लगाई गई है तो आयोजन स्थल को सीज कर दिया गया है। इधर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी और लेखक जावेद अख्तर आ रहे हैं जिनका फिल्म पद्मावत को लेकर कर्णी सेना विरोध कर रही है। लिहाजा यहां कमिश्नरेट के जाब्ते के साथ 2 आरएसी कंपनियां तैनात रहेंगी। तो फिल्म पद्मावत को लेकर संभावित विरोध के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को अपने इलाके के राजपूत नेताओं को पाबंद करने के आदेश दिए हैं। सपोर्ट सिस्टम्स देना ही पड़ेगा और कानून व्यवस्था कायम करना पड़ेगा। वी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस। इसको मद्देनजर रखते हुए सभी ऑफिसर्स के साथ विचार विमर्श हुआ और ये निर्णय लिया गया है कि सभी जिलों पे पुलिस सतर्क किया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, मैजिस्ट्रेट्स को भी, और उनके जो जो इस तरह के कर सकते प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए हिदायत दी गई है। जहां पे आपको संभावना लगता है कोई ऐसे लोग है या ऐसा कोई संस्था है कुछ कर सकते हिंसात्मक, प्रजातंत्र में अपना बात बिना हिंसा डेमोक्रेटिक वे में कहने का सबका अधिकार है। जहां जहां पे वो डेमोक्रेटिक वे में कोई अगर अपनी बात कहना चाहते हो, वी
तो हमें कोई आपत्ति नहीं, शांति व्यवस्था जहां तक कायम रखे। जहां पे अगर कानून व्यवस्था कोई बिगाड़ने का अंदेशा है वहां पे प्रिवेंटिव एक्शन लेने की, एक नंबर एक तो उनको सबको बता दिया गया है कि आज से शुरू कर दे। भरतपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लोहागढ़ स्टेडियम में कार्य अंतिम चरण में है। स्टेडियम में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। कार्यक्रमों के अनुसार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शाम करीब 4 बजे भरतपुर पहुंचेंगे। कोटा के लिए अच्छी खबर है, कोटा को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। नगर निगम कोटा के सभी 65 वार्डों को खुले में शौच मुक्त बनाए जाने पर केंद्र की तरफ से एक विशेष टीम ने कोटा शहर के सभी वार्डों का गहनता से निरीक्षण किया था, जिस आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई और आज अनाउंस कर दिया गया। कोटा को ओडीएफ खुले में शौच मुक्त घोषित होने के बाद कोटा नगर निगम के मेयर महेश विजय से जी मीडिया ने खास बातचीत की। कोटा शहर के लिए अच्छी खबर है, कोटा शहर को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। निगम कोटा के मेयर महेश विजय साहब हमारे साथ में है। सर बधाई हो आपको, शहर के लिए अच्छी खबर है, आपकी मेहनत रंग लाई और कोटा को ओडीएफ घोषित कर दिया गया। हमें खुशी है और गर्व है कि कोटा शहर ओडीएफ में शामिल हो गया है और जी न्यूज को भी हम इसके लिए बधाई देते हैं कि आपका भी सहयोग समय समय पर हमें मिला है। कोटा शहर में 14,000 हमें बनाने थे, लगातार अभी भी हम बना रहे हैं, परंतु गवर्नमेंट के नियम के अनुसार पर जिन बस्तियों में कठिनाई आ रही है उनमें हमने कम्युनिटी टॉयलेट बना दिए, सुलभ शौचालय बना दिए और उस आधार पर लोगों को वो सुविधा प्रदान कर दी जो घर पर शौचालय की होनी चाहिए। इस आधार पर आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि कोटा शहर के सभी 65 वार्ड ओडीएफ हैं और ओडीएफ में हमें शामिल भी कर लिया गया है, हमारे लिए प्रसन्नता की बात। कितनी चुनौतियां रही, किस तरह से काम हुआ और आज किस तरह से जब तस्वीर, जब हमने मेहनत की इस पर लगातार काम किया तो तस्वीर आज किस तरह से बदली है वो मैं जानना चाहूंगा, वो संघर्ष को जानना चाहूंगा जिसके बाद किस तरह से काम किया, किस तरह के लक्ष्य रखे गए वो बताइए। इसमें कोटा शहर में विशेषकर आधे कोटा शहर जो चट्टानी क्षेत्र है वहां पर 15,000 रुपए में 4,000 सेंट्रल गवर्नमेंट छूट देती थी, 4,000 स्टेट गवर्नमेंट की छूट थी, बाकी 4,000 मिलाने थे पर 12,000 में नहीं बन पा रहे थे। निगम ने कठोर मन करके और लॉस भले ही लग जाए पर कोटा को ओडीएफ करना है, हमने इसको और राशि को बढ़ाया और इसको 15,000 पहुंचाया। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया कोटा। जल्दी इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहा है।